नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर सिंह और आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सर थॉमस हॉब्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने स्टेट की ओरिजिन के पीछे कौन सी थ्योरी दी है उनकी किताब के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लिवायथन और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सर ने एरेस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बजाय मोनार्की पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में सर थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ शुरू से बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे मतलब उनके पिता बहुत गरीब थे इसी वजह से उनके अंकल ने उनको पढ़ाने का निर्णय ले लिया लेकिन थॉमस हॉब्स पढ़ने में शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो एक मेधावी छात्र थे बाद में उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की पढ़ने में अच्छे होने की वजह से वहाँ इंग्लैंड के किंग ने अपने लड़के को पढ़ाने के लिए इनको ट्यूटर के रूप में रख दिया ये वहाँ पर पढ़ाने लगे लेकिन वो एक ऐसा पीरियड था जब इंग्लैंड में इनलाइटमेंट का पीरियड माना जाता है और मेडिबल एज में मतलब कोई भी थ्योरी कोई भी देता था तो उसको सीधा रिलीजन से सीधा गॉड से रिलेट करता था लेकिन सर थॉमस हॉब्स ने सोचा क्यों ना पॉलिटिकल थ्योरी की एक ऐसी थ्योरी दी जाए जो साइंटिफिक हो कहीं ना कहीं हद तक रिलीजियस के बजाय वह कहीं हद तक वैज्ञानिक थ्योरी हो लेकिन कई बार उनको स्टेट का साथ नहीं मिला एक बार तब प्रॉब्लम होती है जब वहाँ के किंग को कुछ लोग मार देते हैं क्योंकि उनका मानना रहता है कि मोनार्की अच्छा नहीं है हमारे कंट्री के लिए या फिर यूनाइटेड किंगडम के लिए मोनार्की अच्छा नहीं है उनके मरने के बाद सत्ता में परिवर्तन होता है उसी टाइम पे सर थॉमस हॉब्स ने सोचा क्यों क्यों ना हम औरजिन करें क्यों स्टेट का आ, सोचें कि स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई और वो पीरियड कैसा रहा होगा जब स्टेट नहीं रहा होगा तो सबसे पहले उन्होंने अपनी किताब लिबाइथन में बताया कि वह पीरियड जब स्टेट नहीं था तब कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से स्टेट को ऑरिजिन करना पड़ा स्टेट को लाना पड़ा हमें सामने तो बताते हैं वो एक ऐसी कंडीशन थी उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ स्टेट मतलब कि जब स्टेट ना रहे तो नेचर ऑफ़ स्टेट उस पीरियड को कहते हैं और लोग जो थे एकदम फ्री थे सभी लोग अपना ही अपना बस चाहते थे वहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं था कोई सिक्योरिटी नहीं था लोग प्रॉपर्टी अपना अधिक गेन करना चाहते थे इस वजह से समाज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था तब लोगों ने डिसीजन किया कि चलो कुछ ऐसा कोई एक ऐसा पावरफुल बॉडी बनाते हैं कोई एक ऐसा स्वर्ण बॉडी बनाते हैं जो हमारे ऊपर कंट्रोल रख सके मतलब कि कोई भी ऐसा काम ना कर सके जिससे दूसरों का नुकसान हो सके लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बात थी प्राइवेसी की कि अगर वो बॉडी जो है अगर हमारे प्राइवेसी के खिलाफ मतलब कि हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ जाएगा तब तो हम उसको ओबे करना छोड़ सकते हैं इसी के साथ शुरुआत हुआ एक स्टेट का लोगों ने डिसीजन किया कि इस चीज़ को पावरफुल कैसे बनाना है स्टेट को उसमें उन्होंने क्या किया अपने जितने राइट थे जितने अधिकार थे सबका त्याग कर दिया और उस अधिकार को त्याग को स्टेट को सौंप दिया स्टेट अब क्या कर सकता था लोगों के अधिकार को अपने हिसाब से मैनपुलेट कर सकता था इधर उधर कर सकता था अच्छा भी कर सकता था बुरा भी कर सकता था लेकिन सर थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था कि स्टेट की ओरिजिन ही हमारे सुरक्षा के साथ हुई है मतलब कि हम सुरक्षित नहीं थे इसीलिए स्टेट को इतना मैंने पावर दिया हमने पावर दिया अपने राइट्स को दिए तो फिर जिस दिन हमारे राइट्स का हमारे जीवन के राइट्स का उल्लंघन करेगा स्टेट उस दिन हम उसको ओवे करना छोड़ सकते हैं इसी के साथ स्टेट का ऑरिजिन हुआ लेकिन साथ ही साथ वो जैसे हमने बताया कि किंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे एक किंग के घर पे वो ट्विटर के रूप में भी थे उनके लड़कों को पढ़ाते थे तो इसलिए उनको लगता था कि मोनार्की जो है ज़्यादा अच्छा है दूसरा कारण ये है कि वो बताते हैं कि मोनार्की अच्छा है अपनी किताब लिबाइथ में कि अगर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र जिसमें अधिक से अधिक लोग के पास पावर हो जाती है अगर डेमोक्रेसी या फिर एरेस्टोक्रेसी मतलब कि जिसमें कुछ लोगों के पास रहे पावर रहे अगर ये दोनों चीज़ें हमारे समाज में रहेंगी हमारी कंट्री में रहेंगी या फिर हमारे स्टेट में रहेंगी स्टेट इस तरह का होता होगा तो पावर का डिवीज़न अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा जिससे क्या होगा लोगों का डर ख़त्म हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए अभी भारत में डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है लोग जनता के पास भी कुछ हद तक पावर है पावर टू वोट है जिससे वो किसी को भी हरा या जिता सकती है तो हमारे पास पावर हो गया है तो हमें डर खत्म हो गया है स्टेट का गवर्नमेंट का हमें ये नहीं डर है कि स्टेट हमारे ऊपर कुछ करेगी तो ठीक है अगले पाँच साल आने बाद वाले चुनाव में हम गवर्नमेंट को हटा देंगे हम रिप्लेस कर देंगे ये डर कहीं ना कहीं हम हमें कम हो गया लेकिन उनका मानना था अगर ये मोनार्की रहेगा या पावर किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा तो फिर ये डर बना रहेगा लोगों के पास और लोग जो है उसको ओबे करेंगे स्टेट को स्टेट की बात मानेंगे और किसी भी तरह से सोशल कंट्रास्ट या फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमारे समाज में नहीं होगा यही था थ्योरी जो उन्होंने अपने लिबाइथन में लिखा आशा यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत